बैक टू माई चैनल, दिस इज श्रुति। आज की वीडियो में मैं एक्रेलिक स्टिल लाइफ बना के दिखाने वाली हूँ आपको कि आर्टवर्क में जो स्टाइल है, वर्किंग स्टाइल है, वो बहुत ईजी है। लाइक अगर आपने एक्रेलिक कलर्स अब तक एक बार भी यूज़ नहीं किया तो इस तरह से आप कलर्स यूज़ कर सकते हो, पोर्ट्रेट्स में भी, स्टिल लाइफ में भी, और कॉम्पोजिशन या फिर लैंडस्केप में भी। तो ये जो स्टाइल है, ये बहुत ईजी स्टाइल है और इसको करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगी। एक्रेलिक कलर्स भी आपको आर्टिस्ट के लेने हैं, जो सिंपल स्टूडेंट वाले एक्रेलिक कलर्स आते हैं वो नहीं लेने हैं। मैं तो यही एडवाइस करूंगी कि आप आर्टिस्ट कलर्स ही ले लो अगर आप पेंटिंग करना चाहते हो एक्रेलिक कलर्स में, क्योंकि जो दूसरे फैब्रिक कलर्स होते हैं जो छोटी डब्बियों में आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी दोनों में डिफरेंस। मैं आपको दिखा दूंगी मैं दोनों कौन से कलर्स की बात कर रही, किसी को ना मालूम हो तो वो कलर्स भी आप देख लेना। तो जो इनमें डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जैसे कि ऑयल पेस्टल और सॉफ्ट पेस्टल्स में होता है, वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई होते हैं सॉफ्ट पेस्टल, और ऑयल पेस्टल थोड़े से स्टिकी से होते हैं, और थोड़ा ये डिफरेंस होता है। ऐसे ही जो स्टूडेंट वाले एक्रेलिक कलर्स हैं और आर्टिस्ट वाले एक्रेलिक कलर्स हैं, उनमें बहुत डिफरेंस है। जो स्टूडेंट वाले एक्रेलिक कलर है वो बिल्कुल साथ के साथ ड्राई हो जाएंगे, मतलब उन कलर्स का बिल्कुल पेशेंस नहीं है। वो कलर्स आप क्राफ्ट्स में यूज़ कीजिए, क्राफ्ट में बहुत सही है। लाइक कोई पोर्ट डेकोरेशन है या किसी चीज़ के ऊपर कलर करना है तो वहाँ आप स्टूडेंट वाले एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर सकते हो, जो कि छोटे बॉक्स में आते हैं, उनके बड़े बॉक्स पे आते हैं। जो आर्टिस्ट एक्रेलिक कलर्स हैं उन्हें पेंटिंग में यूज़ कीजिए, पेंटिंग में आर्टिस्ट एक्रेलिक कलर्स यूज़ करना बहुत सही रहेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपको थोड़ा डर कम लगेगा। आर्टिस्ट में क्या होता है कि इसमें आप मिक्सिंग कर पाते हो, मिक्सिंग के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं स्टूडेंट वाले एक्रेलिक कलर से काफ़ी ज़्यादा। मतलब तो हम आज वर्क बनाने वाले हैं, उस स्टाइल को हम पैच वर्क भी बोल सकते हैं, क्रिएटिव वर्क भी बोल सकते हैं, या फिर एब्स्ट्रैक्ट में भी बोल सकते हैं स्टिल लाइफ। तो इसमें क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी होती है, हमें पैचेस बनाने होते हैं, और थोड़ा सा कलरिंग का भी ध्यान रखना होता है कि कहाँ पर किस तरह का कलर अच्छा लगेगा, क्योंकि पैचेस हैं, अगर सही से नहीं किया तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा। तो कलरिंग का भी ध्यान रखना होता है कि कहाँ पे किस तरह से कलर करना होता है। मेन तो यही होता है, लाइट, मीडियम, डार्क, और जो हाइलाइट्स वगैरह होता है, ये सब यही चीज़ का ध्यान रखना होता है हर चीज़ में, हर ऑब्जेक्ट में, हर आर्ट में। और अगर आपको इसका रेफरेंस चाहिए तो रेफरेंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस आर्ट वर्क में मैंने दो रेफरेंस पिक का यूज़ किया था, एक में से ड्रैपरी ली थी और एक में से स्टिल लाइफ। आप वहाँ से देख के बना सकते हो, अगर पैच वर्क में बनाना है तो नॉर्मल भी बनाना है तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन ले सकते हो। आप जो मैंने स्टिल लाइफ बनाई है वो देखने के लिए आपको मेरी इंस्टाग्राम ओपन करनी पड़ेगी और वहाँ आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, और फिर आप आर्टवर्क देख सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। जिन्होंने अब तक एक बार भी एक्रेलिक कलर्स नहीं यूज़ किया वो पैच वर्क में ज़रूर ट्राई करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा कलरिंग में यही होता है, कलरिंग में बहुत मज़ा आता है, कलर करने में बहुत मज़ा आता है। तो पैच वर्क एक ऐसा स्टाइल है जो कि बहुत ईजिली हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है, और जिसको नहीं आता है वो अपनी गलतियाँ सही भी कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम में बहुत मज़ा आएगा अगर आप पैच वर्क में अपना वर्क स्टार्ट करते हो, हम भी अपना आर्ट वर्क स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है एक्रेलिक कलर, ये फैब्रिका एक्रेलिक कलर कैमल, ये तीनों कलर्स एक्रेलिक हैं और कैमल के ही हैं। तो ये जो ये वाले स्टूडेंट के एक्रेलिक कलर्स हैं जो हम क्राफ्ट में यूज़ करते हैं मोस्टली, इसमें अलग अलग तरह के एक्रेलिक कलर्स मैंने मिक्स कर दिए थे, तो देख सकते हो आप। और ये है आर्टिस्ट एक्रेलिक कलर, जो कि मैं आपको कह रही हूँ कि ये यूज़ करने चाहिए, बहुत सही होते हैं, मिक्सिंग में भी काफ़ी इजी रहेंगे आपको। और ये जो बड़ा बॉक्स है, ये इन फैब्रिका एक्रेलिक कलर्स का ही बड़ा बॉक्स है, और इसमें जिस तरह से ये आर्टिस्ट एक्रेलिक कलर है ऐसे स्टूडेंट में भी आते हैं, तो आर्टिस्ट वाले ज़्यादा बेटर हैं। तो यही एडवाइस करूँगी कि आप आर्टिस्ट एक्रेलिक कलर्स ही लो, क्योंकि दूसरे एक्रेलिक कलर से ज़्यादा जल्दी और इजीली मिक्स हो जाते हैं। तो यही है कलर्स, और ड्राइंग स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो रेफरेंस आप डिस्क्रिप्शन में से ले ही सकते हो, वहाँ से आप देख सकते हो किस तरह से और कहाँ हमने क्या ड्रॉ किया है। तो कलरिंग के लिए सबसे पहले हम बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे, बैकग्राउंड में ये बर्न साइना और साइब ग्रीन कलर को मिक्स करके कलर कर रही हूँ। तो डार्कनेस के लिए यहाँ पे बर्न साइना कलर का यूज़ करूँगी, और लाइट कलर दिखाने के लिए हमने उसमें कलर में वाइट कलर मिक्स कर दिया था। यहाँ पे कलर्स आप देख ही सकते हो, ड्रैपरी जो है वो वाइट कलर के बना रही हूँ, और इसमें डार्कनेस दिखाने के लिए ग्रे और ब्लैक कलर का यूज़ करूँगी मैं।
अगर हम वाइट और ब्लैक के अंदर थोड़ा सा प्रशन ब्लू मिला दें तो वो काफ़ी अच्छा कलर बनता है। बट यहाँ मैंने ब्लू कलर नहीं मिक्स किया, ओनली वाइट एंड ब्लैक से ग्रे कलर बना दिया है। तो ये हमारी ड्रेपरी भी बना दी मैंने, तो देख सकते हो आप कितना सारा सब जगह पैच है, कहीं पे भी सॉफ्ट मिक्सिंग नहीं है। तो पहले बैकग्राउंड की चीज़ें हमें बनानी है, उसके बाद हम फ्रंट की चीज़ें बनाएंगे। जो भी हाइलाइटेड चीज़ें होंगी उन्हें हम लास्ट में बनाएंगे, ताकि जो बैकग्राउंड की चीज़ें जो हमने पहले बनाई थी वो दब जाए, लाइट हो जाए। जो चीज़ें हमें हाईलाइट करनी है वो हम लास्ट में बनाएंगे। तो ये जो फ्लावर्स हम बना रहे हैं इनकी बिगनिंग में, जो ब्लैक कलर आपको दिख रहा है ये ब्लैक नहीं है, इसमें बर्न साइना, प्रशन ब्लू और हल्का सा ब्लैक कलर है, तब ये थोड़ा डार्क लग रहा है। तो अगर हम प्योर ब्लैक कलर कर देंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे फ्लावर्स की लीव्स में भी देख सकते हो पेटल्स में कैसे पैचेस हैं, ओनली कुछ भी मिक्सिंग नहीं है। तो यहाँ फ्रूट्स में भी देख सकते हो पैचेस हैं, मिक्सिंग नहीं है। तो आप देख रहे होंगे जो मैंने नीचे ग्रीन कलर किया है वहाँ पे किस तरह से पैचेस बना दिया है। ये इस तरह से इसलिए बनाया है क्योंकि ये काफ़ी आर्टिस्टिक लगता है। फ्रेंड्स, आर्टवर्क हो चुका है कम्प्लीट एंड आई होप आपको आर्टवर्क अच्छा लगा होगा। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, उसमें मेरे और भी काफ़ी सारे आर्टवर्क्स का लिंक दिया हुआ है। और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, क्योंकि हमने बहुत सारे आर्ट स्टाइल्स में वर्क किया है अब तक और आने वाले आर्टवर्क्स तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाले हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और ये से अलावा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी इस तरह का आर्ट स्टाइल बना सके, क्योंकि ये बहुत ईजी है और इंटरेस्टिंग है। आते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलती हो जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care of yourself, keep improving and bye.